नमस्कार, दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। पाकिस्तान में भारत के कुलभूषण जाधव को मौत की सजा का एजेंट होने का आरोप। यातायात नियमों के सख्त प्रावधानों वाले मोटर वाहन विधेयक को लोकसभा की मंजूरी। विधेयक में 18 राज्यों से मिले सुझाव शामिल। सूखे और कर्ज से त्रस्त तमिलनाडु के किसानों ने प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर नग्न होकर प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से पश्चिम बंगाल के लिए 10,000 करोड़ तत्काल जारी करने की मांग की। अरविंद केजरीवाल का आरोप, भाजपा को सत्ता में पहुंचाना चाहता है चुनाव आयोग। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, भाजपा में शामिल होने की खबरें निराधार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में भूकंप के झटके। अमेरिका समर्थित सीरियाई सैनिकों पर इस्लामिक स्टेट का हमला, 12 सैनिकों की मौत। मिस्र में कॉप्टिक ईसाइयों पर हमले के बाद 3 महीने के लिए आपातकाल लागू। भारतीय ड्राइवर अरमान इब्राहिम ने सुपर ट्रॉफी एशिया सीरीज में हासिल किया 3रा स्थान। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी मनीष पांडे ने कहा, डेथ ओवरों में गेंदबाजी में सुधार जरूरी। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, लालू के परिवार ने मुख्यमंत्री आवास के पदे का दुरुपयोग किया। यूपी में देवरिया के फदर क्षेत्र में करंट लगने से 2 सगे भाइयों समेत 3 युवकों की मौत। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे रामकरण आर्य को हत्या के मामले में आजीवन कारावास। बिहार के भागलपुर में आग लगने से 50 झोपड़ियां जली, 2 बच्चों की मौत। ये थी आज की प्रमुख खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।